बिहार में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर निगम चुनाव में 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। पहले चरण के लिए 18 दिसंबर को मतदान होगा और 20 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए खूब कवायद की, लेकिन मतदाताओं की चुप्पी ने सभी प्रत्याशियों की नींद उड़ा रखी है। वहीं 18 दिसंबर को भागलपुर में चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है, जिसको लेकर देर शाम डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इस दौरान डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार, बजरा दल के प्रभारी सूरज कुमार ने अबजूगंज, शाहबाद चौक सहित अन्य वार्ड में फ्लैग मार्च निकालते हुए भयमुक्त मतदान करने की लोगों से अपील की। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो हमें सूचना दें ताकि उस पर कार्रवाई हो सके और भयमुक्त होकर सब चुनाव अपना योगदान दें। और कोई भी अगर उपद्रव करता है और कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि 18 दिसंबर को नगर निकाय का मतदान होना है, जिसके लिए नगर परिषद सुल्तानगंज में 64 बूथ बनाए गए हैं। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपना वोटिंग डालें यहाँ पे और प्रशासन जो है पूरा चुस्त है, दुरुस्त है और अतिरिक्त बल मैजिस्ट्रेट हर एक बूथ पे है, सेक्टर में है। 28 सेक्टर जो है सुल्तानगंज को बांटा गया है और निर्वाचन आयोग का जो भी दिशा निर्देश सब जो है पूरा कर लिया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी भी शामिल हुए। भागलपुर बिहार से कुणाल शेखर की रिपोर्ट।